अगर आप भी अक्षर पटेल, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 204-1 से सीरीज जीतने के बाद भावुक हो गए रोहित शर्मा, लेकिन अपने बयान में हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और यहां तक कि अर्शदीप सिंह पर भी कुछ ऐसा कहा कि सबका दिल ही जीत लिया। क्या बोले दोस्तों रोहित शर्मा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहित, धोनी और पांड्या में बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में खेली जा रही है 5 मैचों की T20 सीरीज आखिरकार भारत की बेमिसाल जीत के साथ समाप्त हो चुकी है। आपको बता दें कि 5 मैचों की सीरीज में हमारी भारतीय टीम ने 4-1 से सीरीज में जीत हासिल करी। दोस्तों वैसे तो सीरीज की शुरुआत ही एक धमाकेदार जीत के साथ हुई थी, लेकिन दूसरा T20 मैच को हम हारे, फिर तीसरे और चौथे मैच को तो जीता ही, साथ ही अब 5वें T20 मैच में जिसमें रोहित कप्तान तक नहीं थे उसमें पांड्या ने ऐसी धाकड़ कप्तानी करी कि जीत 1% भी हमसे दूर नहीं हुई पूरे मैच के दौरान। 205वें T20 मुकाबले की शुरुआत ही हमारी धासु बल्लेबाजी से हुई थी। ईशान किशन तो फ्लॉप हो गए थे, लेकिन श्रेयस अय्यर के 60 से ज्यादा रनों की तूफानी पारी और हुड्डा की 38 रनों की पारी भारतीय टीम को 10 ओवर में 100 के पार ले जा चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के समर्थन के चलते मैदान में आगे आकर पांड्या जो कि कप्तान भी थे उन्होंने 16 गेंदों में 28 रन जड़ दिए। 200 के स्ट्राइक रेट की उनकी यह पारी भारतीय टीम को 189 तक ले गई। अब 200 इतने बड़े लक्ष्य को चेस करने के लिए वेस्टइंडीज की टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी, लेकिन शुरुआत में जेसन होल्डर क्या ओपनिंग करने आए पांड्या ने तो अपना दिमाग लगाया और फिर उन्होंने अक्षर पटेल को गेंदबाजी पर उतार दिया और अक्षर पटेल ने 200 बैक टू बैक विकेट्स लिए। पहले जेसन होल्डर को आउट किया, फिर डिवॉन स्मिथ का विकेट लिया और इसी बीच 200 शैमरन ब्रुक्स नाम के खिलाड़ी को भी आउट करने वाले अक्षर पटेल ही थे। 30 रन के दायरे के अंदर हमें 3 बड़े विकेट मिल चुके थे, बाकी काम को पूरा कर दिया कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई ने जिन्होंने 4 और 3 विकेट लिए। और इसी तरीके से दोस्तों हमारी भारतीय क्रिकेट टीम ने कमर ही तोड़ कर रख दी वेस्टइंडीज की टीम की और सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया। 205वें T20 मैच में अब अक्षर पटेल की गेंदबाजी और हार्दिक पांड्या कप्तानी को देख रोहित शर्मा भी फूले नहीं समा रहे। इन दोनों की तारीफ करते हुए उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि सबका दिल ही जीत लिया। दोस्तों आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने अपने बयान में कहा, वाकई में शब्द नहीं है पूरी टीम के लिए जिस तरीके से सबने प्रदर्शन करके दिखाया इस 5 मैचों की T20 सीरीज में। हम केवल मुकाबला जीतने के लिए नहीं खेलते बल्कि हर एक खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए क्योंकि सब बराबर की मेहनत करते हैं और मुझे लगता है कि अगर इस सीरीज को हम 4-1 से जीत पाए हैं तो इसमें सबकी बराबर की मेहनत लगी है, इवन उन खिलाड़ियों की भी जो सीरीज में अच्छा परफॉर्म ना कर पाए हों, क्योंकि ना परफॉर्म करने वाला खिलाड़ी भी उतनी मेहनत करके आता है। मेरे नजरिए में उनको मौका मिलना चाहिए था, इसीलिए 5वें T20 मैच में उन सभी खिलाड़ियों को मौका दिया गया जिन्हें पूरी सीरीज में मौका नहीं मिला था। 5वें T20 मैच में जिस तरीके का प्रदर्शन अक्षर पटेल ने किया और खासतौर पर पांड्या ने कप्तानी करी वह काबिले तारीफ है। दोनों खिलाड़ी काबिल ऑलराउंडर्स हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये इस तरीके से ही भारतीय टीम को जिताते भी रहेंगे। साथ ही साथ श्रेयस अय्यर ने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी करी, लेकिन खास तौर पर मैं तारीफ करना चाहूंगा रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव की भी। सभी खिलाड़ियों ने मौके का भरपूर फायदा उठाया और टीम को जिताकर ही दम भरा। भला इससे बेहतर बात एक कप्तान के लिए क्या हो सकती है कि वो टीम में ना हो और टीम इतने बड़े अंतर से जीत कर लौटे। ये मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है, ये जीत हमारे फैंस को समर्पित है। उम्मीद है कि आने वाले एशिया कप को और T20 वर्ल्ड कप को हम ही जीतेंगे। दोस्तों रोहित शर्मा ने पांड्या से लेकर अर्शदीप और अर्शदीप से लेकर अक्षर पटेल की तारीफों के पुल ही बांध दिए, क्योंकि काम भी तो उन्होंने ऐसा ही किया है, हमारी टीम को 4-1 से विजयी बनाया। लेकिन आप सभी को क्या लगता है रोहित शर्मा, अक्षर पटेल और पांड्या में बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम के खिलाफ 5वें T20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या की चतुराई व अक्षर पटेल के तूफान के चलते हमारी टीम ने हारे हुए मैच को जीत लिया, लेकिन कैसे दोस्तों पांड्या की कप्तानी ने आज वाकई में भारतीय क्रिकेट टीम को जीत की राह पर ले जा दिया आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और धोनी में बेहतरीन खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत का वेस्टइंडीज दौरा आज समाप्त हो चुका है। आपको बता दें कि अब तक तो सीरीज भारतीय टीम जीत ही चुकी है, लेकिन सीरीज के 5वें T20 मुकाबले में रोहित शर्मा नहीं बल्कि रोहित शर्मा ने अपनी जगह अपनी गद्दी पर हार्दिक पांड्या को बिठाया, मतलब कि कप्तानी की कमान सौंप दी हार्दिक पांड्या के हाथों में। और दोस्तों हार्दिक पांड्या ने भी आज कप्तान की कसौटी पर उतरकर कुछ ऐसे फैसले लिए जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को शुरुआती दौर में ही बल्लेबाजी और गेंदबाजी में मैच में जिताकर रख दिया था।
दोस्तों हार्दिक पांड्या ने सलामी जोड़ी में इस मुकाबले में ओपन करने के लिए ईशान के साथ श्रेयस अय्यर को भेजा। ईशान भले ही फ्लॉप हो गए लेकिन अय्यर 30 गेंदों में 52 रन जड़ चुके थे। उनके 40 गेंदों में 60 रनों से ज्यादा रन की पारी भारतीय क्रिकेट टीम को अच्छी खासी बढ़त दे चुकी थी। इतना नहीं, हुड्डा ने भी 38 रन बनाए और दोनों खिलाड़ी 10 ओवर तक ही टीम को 100 के पार ले गए थे। हमारा 200 तक पहुंचना कंफर्म था लेकिन जैसे इनके विकेट गिरे और कोई कुछ खास कर नहीं पाया केवल पांड्या को छोड़कर। 200 पांड्या ने 16 गेंद में 28 रन लगाए 2 चौके और 2 छक्कों के साथ। खैर ये तो थी स्कोर की बात, लेकिन गेंदबाजी में भी पांड्या की कप्तानी की चतुराई देखने को मिली। 200 ने 189 रन का लक्ष्य पेश किया था वेस्टइंडीज की टीम के सामने, लेकिन करेबियंस अपनी धरती पर कभी भी मैच को पलट सकते हैं और ऐसा करने के लिए वो मैदान में उतर भी गए थे। 200 वेस्टइंडीज की टीम ने भी एक बहुत चौंकाने वाला फैसला लिया, इस बार ओपनिंग करने के लिए जेसन होल्डर को भेज दिया। अब जेसन होल्डर को तो भेज दिया लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी, क्योंकि होल्डर जैसा तूफानी बैट्समैन कुछ भी कर सकता है और शुरुआत अच्छी हो इसके लिए वेस्टइंडीज की टीम हर एक दांव पिच लगा रही थी कि तभी 200 हार्दिक पांड्या का दिमाग चढ़ा और उन्होंने एक ऐसा फैसला ले लिया जिससे पूरा मैच ही पलट गया शुरू होने से पहले ही। दरअसल दोस्तों जैसे ही हार्दिक पांड्या ने देख लिया कि जेसन होल्डर तो ओपन करने के लिए आ रहे हैं, ये तो खुली चुनौती हो गई। ऐसे में 223 गेंदबाज को लाने की बजाय हार्दिक पांड्या ने दिमाग का इस्तेमाल किया और वो लेकर आ गए अक्षर पटेल को। 200 अक्षर पटेल की स्पिन गेंदबाजी के आगे होल्डर तो क्या बड़े बड़े दिग्गज फंस जाते हैं और पांड्या ने सोचा कि उनको तेज गति से नहीं बल्कि स्पिन गेंदबाजी से ही हराना सही रहेगा। जिसके बाद 200 अक्षर पटेल को मौका दिया गया हार्दिक पांड्या ने। नई गेंद से अक्षर पटेल को पहला ही ओवर दे दिया गया। अगली 2 गेंदों पर 200 अक्षर ने कोई रन नहीं दिया था। पांड्या समझ चुके थे कि प्रेशर होल्डर के सर पर चढ़कर बैठ चुका है। जिसके बाद 200 हार्दिक पांड्या ने एक थोड़ी तेज गति की गेंद डालने के लिए कहा। अक्षर पटेल ने 200 अपनी गेंदबाजी में गति को खोल दिया जिसके बाद होल्डर ने सोचा कि एक रिवर्स स्वीप शॉट खेल लेंगे, लेकिन गेंद सीधा जाकर विकेट में लगी और वो क्लीन बोल्ड हो गए। 200 जेसन होल्डर का विकेट ही जीरो पे नहीं गया बल्कि वेस्टइंडीज की टीम जिसका स्कोर ही स्कोरबोर्ड पर जीरो था वो अपना एक बड़ा विकेट गवा चुकी थी। ये इतना बड़ा झटका था 200 वेस्टइंडीज की टीम के लिए कि यहीं से उनकी हार लिखी गई। ऐसा ही कुछ कमाल 200 अक्षर और पांड्या की जोड़ी ने पारी के 4th ओवर में भी किया। शेमरा ब्रुक्स नाम के खिलाड़ी बैक टू बैक अर्शदीप को चौके लगा रहे थे तो फिर से 200 पांड्या ने अक्षर को बुलाया। फिर से ऐसी गेंद का इस्तेमाल किया गया और इस बार बोल्ड नहीं तो स्टंपिंग ही सही, इस बार ब्रुक्स का विकेट मिल गया। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस ओवर में डी थॉमस नाम के खिलाड़ी को क्लीन बोल्ड कर गए अक्षर पटेल। कुल मिलाकर पहले 5 ओवर के अंदर उनके हाथों में 3 विकेट थे और इसमें पांड्या की कप्तानी भी तो शामिल थी। हालांकि 200 केवल अक्षर पटेल का तूफान ही आज हमें देखने को नहीं मिला बल्कि आगे चलकर तो कुलदीप यादव ने भी 3 बड़े विकेट अपने नाम किए और रवि बिश्नोई अपने टैलेंट की वजह से एक ही ओवर में 2 गेंद पर 2 विकेट ले गए, जिसके चलते 200 हमने 100 के अंदर ही अंदर वेस्टइंडीज की टीम के 8 बड़े विकेट गिरा दिए थे और मुकाबले को जीतने की कगार पर पहुंच गए थे। वेस्टइंडीज की टीम को 230 गेंद में 90 रन चाहिए थे, जीत हमारी हो ही चुकी थी। लेकिन 200 आप सभी भारत की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 205वें T20 मुकाबले के शुरू होते ही मैदान में श्रेयस अय्यर और दीपक हुड्डा ने ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी करी कि देखकर पांड्या तो क्या, रोहित तो क्या, वेस्टइंडीज की टीम के होश उड़ गए थे। ऐसे दोनों खिलाड़ियों ने वेस्टइंडीज की टीम को पावर प्ले से लेकर पहले 10 ओवर तक घुटनों पर ला दिया। आपको इनकी बल्लेबाजी का पूरा वीडियो दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में बेहतर खिलाड़ी व कप्तान कौन है नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। 200 भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में 5 मैचों की T20 सीरीज आज अपने अंतिम चरण पर आखिरकार आ ही चुकी है। इस सीरीज का आगाज ही हमारी टीम ने धमाकेदार जीत से किया था, हालांकि उसके बाद वेस्टइंडीज की टीम का कमबैक रहा दूसरे T20 मुकाबले में जिसमें हमें शिकस्त प्राप्त हुई थी, लेकिन फिर तीसरे और चौथे मुकाबले को जीतकर हमारी टीम ने सीरीज को पहले से ही 3-1 की बढ़त से अपने नाम कर रखा है। अब इंतजार है सीरीज को 4-1 से जीतने का। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा हर मुकाबला जीतने के लिए नहीं खेलते, वो चाहते हैं कि टीम के युवा खिलाड़ियों को मौका मिले या फिर उन खिलाड़ियों को जिन्हें नजरअंदाज किया गया पिछले कुछ सालों में। तभी तो 205वें T20 मुकाबले में एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा और कप्तानी छोड़ दी, पांड्या को कप्तान बनाया और टीम में उन सभी खिलाड़ियों को जगह दे दी जो इस पूरी सीरीज में भारतीय क्रिकेट टीम के साथ खेलने के लिए बेताब थे। खैर 200 मुकाबला शुरू हुआ, भारतीय टीम की पहले बल्लेबाजी आई और बल्लेबाजी में हमारी शुरुआत इतनी ज्यादा तूफानी थी कि देखकर हर कोई भारतीय खिलाड़ियों के जज्बे को सलाम कर गया। यहां तक कि 200 रोहित और द्रविड़ जो कि स्टैंड में मौजूद थे वो भी दंग नजर आए।
दरअसल दोस्तों पांड्या जो कि अतरंगी कप्तान हैं, उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की सलामी जोड़ी में ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को भेज दिया। अब श्रेयस अय्यर के साथ दोस्तों ईशान किशन मात्र 11 रन ही बना पाए थे, लेकिन फिर भी टीम का स्कोर पारी के चौथे ओवर तक 40 के पार था। दरअसल दोस्तों ईशान के आउट होते ही मैदान में जैसे ही हुड्डा आए, मानो कि श्रेयस अय्यर को उनके पुराने साथी मिल गए।